अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीक व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं सो के उठा हूँ, रात के बज गए हैं 2, तो अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है मलेशिया। तो अभी कपड़े शपड़े जो रेडी करके रखे हुए हैं, देखे हैं आपके भाई ने कपड़े शपड़े सब रेडी करके रखे हुए हैं। उस्मान और अली को फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। फ़्रेश होने के बाद तो फिर हमारी जो ना तकरीबन इधर से हम 4 बजे चले जाएंगे, तो 4, 5, 6, 7 बजे तक हम लाहौर पहुँच जाएंगे, तो अपने जहाज़ में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार जाते समय एक पाकिस्तान का व्लॉग हो जाए, फिर उसके बाद तो आपने मलेशिया के व्लॉग देखने हैं। तो अभी मैं जो उठाऊँ, तो उठने के बाद अभी कपड़े शपड़े तो सारा सामान मैंने पैक किया है। ठीक है, ये मेरा छोटा बैग है, ये बड़ा बैग है, और ये तेडे वीर ने ड्रेसिंग करनी है। तो चलने जनाब, जाके एक बार नहाने हैं, नहा के तो ड्रेसिंग करने हैं, तो फिर तुम चेक कराँगा वीर तेडा ड्रेसिंग किस तरह की हुई है, फिर तुम दसना। ठीक है, तो चलिए जी नहाइए। तो जी दोस्तों, फाइनली मैं भाई तैयार श्यार होके, कपड़े शपड़े तेरे भाई ने चेक करे हैं नीचे से ऊपर तक है, पप्पू शप्पू बन के रेडी हो गए। उस अब्बू मेरा गया हुआ है तो उस्मान को लेने के लिए और अली भाई को लेने के लिए। ठीक है, तो तब तक मैं अपने दूसरे भाइयों को जरा जगा लूँ कि भाई उठ जाए, टाइम हो गया जाने का भी है। चलते हैं जी, आज मैं उस दोनों को उठा लेता हूँ, अभी वो सो रहे हैं। अभी मैं 2 बार गया, अभी मैं नहा के कपड़े शपड़े पहन के भी आ गया हूँ। तो चेक करें जनाब, आपके भाई ने ये पार्टी शर्ट सी एक जीन ली थी, ये देखिए इधर से टुक शुक लगे हुए हैं। ठीक है, और ये शर्ट है, वो एक कोट है जो मैंने पहना है। तो फजान ने भी हमारे साथ जाना है, तो चल नहा धो के कपड़े शपड़े बदल ला, तो मैं उन्हीं देर जाके दूसरे भाइयों को उठा लूँ। लो जनाब, इन्होंने ठान जाना जेडे हजे तक आप सुते नहीं, यार उठ पो यार, तेरी मेहरबानी आ रशे दे ते नवीद भाई है, चेक करो इन्हों के काम, इन्हों घाटा हो गया मैंने उठाने। मैं नहा धो के फ्रैश हो के भी आ गया, तो हजे तक नहीं उठे। इधर चौथ सब चेक करो, नहा धो के चिट्टा सूट सट्टिया, थले जुत्ती छुत्ती सट्टी, जिन्ना तैयार होना अगले होके आ गए ने। चल यार उठ पो यार, तेरी मेहरबानी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस्मान भाई की तरफ और अलीम भाई की तरफ जा रहा हूँ, तो जाके उन्हें चेक करता हूँ क्या कर रहे हैं। अली ने फोन करके विंडो उठाया है, तो ये तक आप सुता आया है, चेक करो दरवेश के काम चेक करो, ये तक चादर नहीं सुलाई। अली माड़ा मोटा फिर भी फ्रेश फ्रुश होया है, तो इंदा ये काम में चादर नहीं सुलाई। तो जी दोस्तों, है तेरे भरा दे कैमरे के स्टैंड माइक तो बैग शैक रेडी हो गया है, छोटा बैग है उस तो छोटा बह के ऐ तोतियां का पिंजरा। नाश्ता उत्ते बनया पे जाके मैं नाश्ता करना, नाश्ता नुश्ता कर लिया, उन्नी देर में समान तेली हम आ जाएंगे, वो भी उठ के चेक करो जी। फजान अच्छे तरीके से हैं, जुत्ती शुत्ती पा के कपड़े शपड़े पा के तैयार हो गया, तो चल रहे उत्ते नाश्ता करने। नाश्ते चे ने तोश गर्मा गर्म चाय, तो नाश्ता करने फिनिश राशद ते नवीद फौजी, ये लंगर शंगर दी फुल बटा फुल धूड़ पट्टी जा रहे हैं, ते इधर दास सोनिया खान की तोश ते चाय दा कप बस। माशाल्लाह जी, अली भाई तैयार श्यार होके आ गए, चेक करें ऐ जुगर शुगर पा के ऐ लश पश हो के, ते उस्मान दी वारी रह गई, असी मुकम्मल तैयार हो गए। उस्मान ये नहा नू रहा सी, ते तकरीबन 3:30 का टाइम हो गया, तो 4 बजे असी इतों निकलना सी। ठीक है, तो तकरीबन सारी तैयारी माशाल्लाह साड़ी हो गई है। तो साहिद भाई अल्लाह दी सुपुर्दे, ठीक हो गया जी, चलाओ जी। भाई जा रहे ने सारे अगे के गड्डी च समान रखने, अपने को सिर्फ एक बैग ही है, तो यार थोड़ा जहा समान है जरा गड्डी दे विच रखना, बाकी अल्लाह खैर करेगा। एयरपोर्ट पर जाके मुकम्मल व्यूज तैयारी चेक कराया, माशाल्लाह गड्डी शड्डी आ गई साड़ी, चेक करो ए सारे मेहमान छड़न वास्ते, उस्मान मलक इरफान नवीद ते आ गड्डी, क्योंकि असं 3 जने इस पर वड्डी कराई सी। माशाल्लाह गड्डी शड्डी साड़ी जान नूं तैयार है, सारे भाई सारे सुख दे नाल बैठे ने, नवीद भाई राशिद भाई मलक इरफान उस्मान भाई, ते इधर असी आ माशाल्लाह।
तो जी माशाल्लाह फाइनली हम अभी एयरपोर्ट पे आ गए हैं। ठीक है जी जनाब, एयरपोर्ट पे आ गए हैं असि, अंदर इंटर होंगे हैं तो आज साढ़े जो दूसरे साथी ने उतर रहे हैं। माशाल्लाह एयरपोर्ट पे आ गए हैं, बारिश भी हो रही है, बारिश हल्की लगती है तो सारे भाई दिन हो गया, लगा ओपन हो गया। माशाल्लाह एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गए हैं तो एंटर एयरपोर्ट साढ़े पाकिस्तान के अंदर वाला एरिया है। ए जी साढ़े एयरपोर्ट का बाहर वाला पार्किंग एरिया, उधर जहाज होंगे ने तो इधर गड्डिया होंगे ने तो एयरपोर्ट है जी अलामा इकबाल। ये जी जहाज़ों वाला एरिया, वो सामने एक जहाज़ लोडिंग हो रहा है, ये देख लें जी। आपका भाई अभी वेटिंग रूम में आ गया, ठीक है। ये उस्मान भाई, वो अली भाई बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अभी जाके मिलेंगे हम आपको मलेशिया में। और ये उस्मान भाई चाय पी रहे हैं, अली भाई भी बातें शातें कर रहे हैं। यार यकीन करो 160 की चाह मिली किसी ना कम दी, कहीं तो साढ़े पिंड को कावा नहीं पकाना, और पत्ती का कावा बना ली वो ज़्यादा स्वाद है। ये देखें ये वाली बोतल है, पता कितनी की है? ये 100 रुपए की मिली है, ठीक है। इधर से तो वो वाली जो चाय पी रहा है ना उस्मान, ये 180 रुपए की इधर मिली है, तो किसी काम की चाय नहीं है, उसे अच्छी भी नहीं लगी, कह रहा यार फिर भी गुजारा तो अभी करना है। ठीक है, वेटिंग रूम के अंदर ही ना ये दुकानें छोटी छोटी बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। अली भाई जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। ये जो वेटर लगे, ये जो जिन्होंने कार्ड टंगा हुआ है ना, ये इन्होंने मतलब के जड़े ना ये गए ने अपना चीज़ा चूज़ा आके तुम पुछन के की खाना पीना की नहीं खाना पीना। वो भाई वाशरूम, वो सामने टॉयलेट, तो वो छोटी छोटी कंटीना है, तो उस्मान भाई बैठे हुए हैं, तो कोई हाजी आ रहे हैं कोई हाजी जा रहे हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਡਰੈਕਟ ਬੋਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਅਤੇ दोबारा वॉइस की क्योंकि अली भाई ने पता नहीं अली भाई बार चेक निके निके घर निके निके और बदला शदलों के बच्चे करके आ गए हैं दरम्यान के थले बदल ने उत्ते नीला समान तो यह सैड से जनाब तेरा कैमरा शैमरा करके तो अगे लगे हुई सीटा के उत्ते एल सी डियाँ तो इतने तुम जी चीज़ मर्जी यूज़ कर सकते चला सकते तो हर चीज़ इतने चलती है हर चीज़ देख लो जनाब मेहमान ही जी अंदर खाना शाना देंदिया ने एक साइड तो मैं बैठा हुआ क्योंकि मैं दोबारा वॉइस की तो जहाज़ के अंदर बोल नहीं सकते तो इस करके मैं ना आख्या चलो भरावान बाद वॉइस ओवर करके तो अच्छे तरीके बता के दस देंगा। तो वेखो जनाब दरम्यान च आ गया तो हूँ हो गया साढ़े खाने का टाइम, जहाज़ के जोड़ा खाना मिलता तो खाने मैं एक जीन्स किया उस बाद चावल के नाल मतलब पाकिस्तानी बस यह जी मैडम होंगी इन्होंने ना देनिया होंदिया ने तेन चीज़ा जी चीज़ तेन चाहिए हो मैं ऑर्डर किया चावल तो मतलब कि ठीक से अच्छे से पर जूस नहीं जी। दोस्तों ये देख सकते हैं लाहौर से बैठे थे इधर, ये अभी कोलंबो में आ गए श्रीलंका, तो देख सकते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन है ना ग्रीन ग्रीन ये इतना सा रह गया हमारा सफ़र, तो बस उसके बाद हम ये श्रीलंका स्टे करेंगे, फिर उसके बाद
कालालंपुर मलेशिया। तो ये थोड़ा सा सफ़र रह गया हमारा, ये समझ लो गूगल मैप। ये जी कोलंबो एयरपोर्ट है भाई, गया सी वाशरूम ते आ गया बाहर, इतों सीधा जावांगे हम मलेशिया। अच्छा होना भाई, फाइनली कोलंबो एयरपोर्ट तो अगो वेटिंग एरिया च आ गए। बैक साइड ते जहाज जूज ने, ठीक है जहाज वाला एरिया, इतने मैं ला लवा चार्जर ते उस तो बाद इन फिर थोड़ा जहा जरा अगे वीडियो शीडियो मलेशिया ली बनानी है। लो दोस्तों, हूँ असी मलेशिया की फ्लाइट से बहन लगे हैं, फाइनली यही फ्लाइट डायरेक्ट मलेशिया। तो अंदर फ्लाइट पर जा रहे हैं, जहाज साडा जनाब अली भाई अगे अगे जा रहे हैं जी। जनाब मलेशिया एयरपोर्ट पर असं पहुँच गए, समान भाई अगे अली हमजावी तो सारे भाई असं जा रहे हैं। ए मलेशिया एयरपोर्ट है, बसा बुसा और सारा बड़ा वी आई पी मॉल है जनाब। लिफ्ट अगर किसी ने अंदर तो जाना हो तो अंदर तो, किसी ने सीधा जाना हो सीधा, तो साडा काउंटर नंबर C1 ते C2 है। तो उस तो बाद असी मलेशिया तो बाहर आता मलेशिया मुल्क दे विच। तो ये होना वीडियो उतर के तो सीधा गड्डी तो बह गया जी। दोस्तों फाइनली इस माशाल्लाह इस मलेशिया जरा ना एंटर हो गया, तो हम अभी जरा अपने रूम से आ गए हैं। रात अभी स्कूल में सोचे हैं 6 बजे तो अभी इतने पहुंचे हैं, ठीक है। तो हम फ्रैश फ्रूश होकर कपड़े शपड़े चेंज किए, वेट करके आगे निगराना के लगे हुए हैं, तो तुम बाहर का व्यूज चेक कराने माड़ा जी। तो साडा बाहर का व्यूज माशाल्लाह चेक करो, खूबसूरत है कि नहीं, हरियाली है इधर ही, पार्किंग एरिया थले सारा, ठीक है। तो अज तो बाद तुम जिन्हें भी ब्लॉग मिलने मलेशिया की मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम अगर सारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ना भी करते जाइए, तो मन नोटिफिकेशन मिलते रहे।